हाँ जी मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मजे में होगी। तो आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ iPadOS 16 की। यहाँ पे iPadOS 16 जो है अभी पब्लिक के लिए रिलीज नहीं हुआ है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये बेटा वर्जन की है, जो कि डेवलपर्स के लिए होता है। तो अगर आप डेवलपर नहीं हो, एक रेगुलर पर्सन हो जो एवरीडे यूज के लिए अपने iPad को यूज करता है, तो डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा सितंबर तक। एंड मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि सितंबर तक वेट करो जब तक पब्लिक वर्जन नहीं आता। क्योंकि ये जो वर्जन है, पहली चीज यहाँ पे बहुत सारे बग्स होते हैं, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें जो है वो डेफिनेटली फेस करनी पड़ेंगी, चाहे वो बैटरी के इश्यूज हो, चाहे सॉफ्टवेयर बीच में बंद हो या कुछ भी। और दूसरी चीज ये है कि स्टेबल बिल्कुल नहीं है, डेवलपर्स के लिए बनता है। डेवलपर्स जो है वो चेक करते रहते हैं, जब सारी चीजें सही होती है तब फाइनल वर्जन जो है रिलीज होता है, जो कि आपको मिलेगा सेप्टेम्बर के अंदर। तो अब एक छोटा सा जो डिस्क्लेमर है वो आपको देना था, वो मैं दे चुका हूँ। अब बात करते हैं कि क्या नया मिलता है iPadOS 16 के अंदर। तो सबसे पहली चीज, आपको नया लॉक स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे iOS 16 की तरह आपको कोई भी विजेट्स वगैरह ऐड करने का फीचर नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको नई क्लॉक मिल रही है और फॉन्ट जो है क्लॉक का वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये तो हो गया लॉक स्क्रीन का, विजेट ऐड नहीं कर सकते हो। इसके बाद जो सबसे बड़ा फीचर है iPadOS 16 का, वो है स्टेज मैनेजर, जिसको आप ऑन कर सकते हो कंट्रोल पैनल में से। आप कंट्रोल पैनल के अंदर आ जाना और सबसे नीचे ये जो आइकन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है स्टेज मैनेजर का आइकन। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, आपको इसको ऑन कर लेना है। जब कंट्रोल पैनल से हम लोग स्टेज मैनेजर वाला फीचर जो है उसको ऑन करेंगे तो इतना ज्यादा आपको फर्क पता नहीं चलेगा, बट अगर आप कोई ऐप ओपन करते हो, जैसे मैं कर लेता हूँ मान लीजिए कैलेंडर, तो अब आपको दिख रहा होगा जो पूरा लेफ्ट साइड है यहाँ पे आपको काफी सारी एप्स दिख रही हैं। और ये जो विंडो है, ये इसका स्टाइल भी आप देख सकते हो कि डिफरेंट है। अब यहाँ पे आप विंडो का जो साइज है यहीं से कंट्रोल कर सकते हो कि क्या साइज रखना चाहते हो। और इसके साथ ही अगर मैं कोई और ऐप ओपन करना चाहता हूँ तो ये देख सकते हो इसका साइज भी जो है यहीं से मैं छोटा बड़ा जो है वो कर सकता हूँ। और लेफ्ट साइड में जितने भी एप्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पे ग्रुप्स भी आप बना सकते हो। जैसे अभी ये दो एप्स का एक ग्रुप बन चुका है, इसके बाद अगर मैं कोई भी चीज स्विच करना चाहता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि इसी साइड से खुल रहा है सारा कुछ। तो ये हो गया। इसके अलावा ऊपर आपको तीन डॉट्स दिख रहे हैं, अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे भी तीन ऑप्शन आपको मिल रहा है। पहला है ये जो ऑप्शन है फर्स्ट, ये है फुल स्क्रीन के लिए। दूसरा ऑप्शन जो है वो है प्लस वाला, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अब मैं कोई भी विंडो जो है ओपन कर सकता हूँ। और जो तीसरा ऑप्शन है ये है मिनिमाइज का। और जब आपने स्टेज मैनेजर ओपन किया हुआ है तो अगर आप कंट्रोल पैनल पे जाके यहाँ पे होल्ड कर रखते हो तो यहाँ पे दो जगह पे आपको चेक मार्क्स दिख रहे हैं। तो अगर मैं इस वाले नीचे वाले को अनचेक कर देता हूँ तो जो डॉक है वो हिडन हो जाएगा, सिर्फ आपकी जो यूज्ड एप्स हैं वो दिखेंगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डॉक आ गया। और अगर आप स्टेज मैनेजर के अंदर ये जो एप्स है लेफ्ट साइड में इनको हाइड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आप सिर्फ डॉक दिखेगा, आपको एप्स नहीं दिखेंगे। तो जैसे अगर अभी मैं जाता हूँ होम स्क्रीन पे तो आप देख सकते हो साइड में कुछ भी नहीं है। अब अगर एक बार फिर से जाके यहाँ पे मैं चेक कर दूं, अब जो एप्स हैं वो आ गई हैं। तो ये है स्टेज मैनेजर। और अब हमें आईपैड के अंदर ही मिल रही है वेदर ऐप, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। फुल स्क्रीन यहाँ पे आपको मोड मिल रहा है वेदर ऐप के अंदर, तो सारी जो डिटेल्स हैं आपके सामने हैं। और एक चीज जो काफी लोग पूछ लेते हैं कि 90 डिग्रीज क्यों है, ये तो जल जाएगा बंदा। तो मैं अमेरिका में रहता हूँ, जिनको नहीं पता, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर जो है फ़ारेनहाइट चलता है, सेल्सियस नहीं। तो समर्स आ गए हैं, थोड़ी थोड़ी गर्मियां होने लग गई हैं, तो सारी डिटेल्स जो है पूरे वेदर की वो यहाँ पे रहेंगी। साइड बार भी यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट जो सिटीज है उनको पिक कर सकते हो। और ये इस बार iPadOS 16 में मिल रहा है। इस साइड पे मैप है जहाँ पे आप जूम इन जूम आउट करके अलग अलग जगह का जो वेदर है वो जान सकते हो। और पॉडकास्ट ऐप के अंदर नया साइड बार अब हमें मिल रहा है, तो जो बॉटम में डॉक वगैरह रहता था वो सब चला गया है, अब यहाँ पे साइड में मिल रहा है। तो ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। और iPadOS 16 के अंदर एप्पल पेंसिल के लिए भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं। अब आप स्क्रिबल की मदद से ही जो स्माइली वगैरह है उसको ड्रॉ कर सकते हो, और आपका जो नोट्स ऐप है या जहाँ पे भी आप हैंड राइटिंग यूज कर रहे हो, स्माइली जो भी आप बनाओगे उसको वो ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर लेगा। अभी बेटा के अंदर जो ये चीज़ है अच्छे से काम नहीं कर रही है, वरना मैं आपको डेफिनेटली शो करता। बट एक चीज़ जो अभी चल रही है वो मैं दिखाता हूँ एप्पल पेंसिल से रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो अगर आप ये मेन्यू खोलोगे नीचे नोट्स के अंदर अभी मैं हूँ, तो यहाँ पे अभी एक नई चीज़ मिल रही है, ये ए लिखा हुआ जो आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो और यहीं से आप सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इसके नीचे जो आइकन आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब जो शेप्स हैं वो भी आप यहीं से एंटर कर सकते हो, जैसे अभी आप देख रहे हो। तो इसको बड़ा छोटा जो भी करना है यहीं से आप कर सकते हो। इसके अलावा तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ हे हाउ आर यू, ठीक है, अभी लिख दिया हमने। तो अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ और अगर अब मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन अब हमें मिल जाता है जो कि है स्ट्रेट का। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जो भी मैंने टेढ़ा मेढ़ा लिखा होगा ये ऑटोमेटिकली उसको सीधा कर देता है। तो यही नए चेंजेस हैं
जो अभी देखने को मिले हैं एप्पल पेंसिल के अंदर। इसके बाद और डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर भी कुछ दो चार नई चीजें हैं। पहली चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जो मैं आईपैड अभी यूज कर रहा हूँ यह है 11 इंच वाला मॉडल। इसके अलावा अगर आपके पास 12.9 इंच वाला मॉडल है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिखेगा रेफरेंस मोड का, जो कि मेरे पास नहीं है, अगर होता तो मैं डेफिनेटली दिखाता। और उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे है जो कि है डिस्प्ले जूम। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड और दूसरा है मोर स्पेस। अब यहाँ पे अगर आपके पास 12.9 इंचेस का होगा तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे, जूम्ड, स्टैंडर्ड एंड मोर स्पेस। तो यहाँ पे ये जो मोर स्पेस वाला अभी टैब आया है ये बिल्कुल नया है, और अगर आप इसको सेट करना चाहते हो तो आपको आपका जो आईपैड है वो रीसेट करना पड़ेगा। और आईपैड ओएस के अंदर फाइल्स जो ऐप है इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हैं। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे, सर्च बार जो है अब वो राइट साइड में चले गया, पहले मिडल में होता था। उसके अलावा आपको सारी चीजों के एक्सटेंशन भी दिख रहे होंगे, जैसे PNG, MP4 जो है। और अगर आपको एक्सटेंशन शो नहीं हो रहे हैं तो आप ये जो तीन आपको लाइंस दिख रहे हैं इन पे क्लिक करते हो ऑप्शंस वाली, तो यहाँ पे व्यू ऑप्शन जो आपको बटन दिख रहा है यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो शो ऑल एक्सटेंशन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सारी एक्सटेंशन शो हो जाएंगी, पहले ये नहीं होता था। इसके अलावा सॉर्ट वगैरह तो आप कर ही सकते हो, डेट, साइज, टैग, जो जिससे भी आप करना चाहो, नेम से अगर सॉर्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। और अगर किसी भी चीज को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे भी कई नई चीजें हैं, जैसे क्विक एक्शन जो है यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो लेफ्ट या राइट, मार्कअप, PDF क्रिएट करना चाहते हो, बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, सारी चीजें जो है यहीं से हो जाएगी। उसके साथ ही एक और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, शो इन इनक्लोजिंग फोल्डर, तो जिस भी फोल्डर के अंदर ये फाइल होगी वहां पे आपको ले जाएगा ये। जैसे मैक के अंदर होता है ना, हम लोग किसी भी फाइल को क्लिक करते हैं और हमें पता नहीं है कहाँ पे पड़ी है तो हम करते हैं शो इन फाइंडर, तो वही सेम चीज जो है वो है शो इन इनक्लोजिंग फोल्डर। उसके साथ ही यहाँ पे रीनेम जो है ये हमें पहले भी मिलता था, जहाँ पे हम किसी भी फाइल का जो नाम है वो चेंज कर सकते थे, बट अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो फाइल एक्सटेंशन टाइप है मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ, PNG को JPEG कर सकता हूँ, जो भी मैं करना चाहूँ वो यहीं से मैं कर सकता हूँ। और आईपैड OS 16 के अंदर अब आपका जो आईपैड है वो सपोर्ट करेगा वर्चुअल मेमोरी स्वैप को। सिंपल सी भाषा में अगर बात करूँ तो अगर आपके पास एक आईपैड है, चाहे वो एयर है या प्रो है, जिसके अंदर है M1 प्रोसेसर, ये ध्यान से सुनना, दो रिक्वायरमेंट है, पहला है M1 प्रोसेसर, दूसरा है यहाँ पे 256 GB वाला मॉडल होना, अगर उससे नीचे है तो ये काम नहीं करेगा। अगर ये दोनों चीजें आपके आईपैड के अंदर हैं तो अब आपका आईपैड, अगर आप कोई ऐसी ऐप यूज कर रहे हो, कि ऐसा गेम यूज कर रहे हो जहां पे उसको ज्यादा रैम चाहिए, तो आपके आईपैड की जो अवेलेबल स्टोरेज होगी उसको एज अ रैम वो यूज कर सकते हैं। और फोकस के अंदर भी नई सेटिंग्स आई हैं, फोकस फिल्टर्स जैसे मैंने आपको बताया था, तो अगर आप भी फोकस जो यहाँ पे मोड्स मिलते हैं डू नॉट डिस्टर्ब वाले, इनको यूज करते हो तो शायद आपके लिए अच्छी चीज हो सकती है। मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, ड्राइविंग के टाइम पे डेफिनेटली मैं 100% यूज करता हूँ, उसके अलावा नहीं। तो अब अगर चले फोकस सेटिंग के अंदर, तो ये सारा का सारा जो एरिया है पूरा रीडिजाइंड है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे फोकस फिल्टर्स के अंदर जाते हैं, जो कि नई चीज है, तो ऐड फिल्टर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारा सेक्शन जो है ये है बिल्कुल नया आईपैड OS 16 के अंदर। और फोटोज ऐप के अंदर भी आईपैड OS 16 में काफी सारी चीजें हैं, जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास ज्यादा पिक्चर्स नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे काफी सारी पिक्चर्स रखते हो अपने आईपैड के अंदर, तो जो ये यूटिलिटीज वाला कॉलम है यहाँ पे आपको एक चीज मिल जाएगी जहां पे लिखा होगा डुप्लीकेट्स, तो यानी कि अगर एक ही तरीके की दो तीन पिक्चर्स हैं तो आपका जो आईपैड है ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और आपको यहाँ पे एक अलग से सेक्शन दिख जाएगा रिसेंटली डिलीटेड के ऊपर ही, जिसका नाम होगा डुप्लीकेट्स। तो आप वहां पे जाके मर्ज कर सकते हो पिक्चर को, ताकि जो भी बेस्ट क्वालिटी वाली पिक्चर हो वो रखे, बाकी सबको वो डिलीट कर देगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको रिसेंटली डिलीटेड के आगे एक लॉक आइकन दिख रहा होगा, क्योंकि अब आईपैड OS 16 एंड iOS के अंदर भी हिडन एल्बम्स और रिसेंटली डिलीटेड जो एल्बम है यहाँ पे फेस आईडी की मदद से लॉक कर दिया है। तो जब अब मैं अपना फेस लगाऊंगा तभी ये जो एल्बम है मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। तो अगर आपका आईपैड या आईफोन अब किसी के पास है तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, चाहे आपकी फोटोज रिसेंटली डिलीटेड में है चाहे हिडन एल्बम में, जब तक आप फेस आईडी यूज नहीं करोगे आपका फेस रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, आपका डिवाइस अनलॉक नहीं होंगे पिक्चर्स। इसके साथ ही एक और चीज जो मैंने आपको iOS 16 वाली वीडियो में भी दिखाई थी, एक बार iPad OS 16 वाली वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। तो जैसे कोई भी पिक्चर है, इस पिक्चर में जैसे एक गाड़ी है, अब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे टैप करना है, कॉपी कर मैं सीधा नोट्स ऐप में जाके या कहीं भी मैसेजेस में कहीं भी जाके मैं सीधा पेस्ट कर सकता हूँ। दूसरा तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से बस मुझे होल्ड करना है, ड्रैग करना है, और अब अगर मैं जाता हूँ तो फिर से मैं यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ। तो सिंपल सा तरीका है जो आपको मिलता है फोटोज ऐप के अंदर। और ये थे कुछ फीचर्स आईपैड OS 16 के जो हमें मिले हैं बेटा 1 के अंदर। अभी काफी सारे बेटा वर्जन्स आएंगे आईपैड OS 16 के, और जो पब्लिक के लिए वर्जन आएगा एंड में, फिर से बोल रहा हूँ, वो सितंबर में आएगा, तो प्लीज अभी डाउनलोड मत करना क्योंकि अभी इतने ज्यादा फीचर्स भी नहीं है इसके अंदर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा सितंबर से पहले पहले और जो फीचर्स हैं ऐड होते जाएंगे।
ये जो वर्जन है डेवलपर्स के लिए है, तो प्लीज आप लोग डाउनलोड मत करना, अभी वैसे भी इतना ज्यादा कुछ नहीं है और काफी ज्यादा बग्स यहाँ पे हैं। इस बार आईपैड ओएस 16 के अंदर काफी सारी एप्स जो है वो अनरिस्पॉन्सिव हो रही हैं बहुत ज्यादा, तो इसको डाउनलोड मत करना। बट काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई नए फीचर्स दिखाओ आईपैड ओएस के भी, आईओएस के तो दिखाई दिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसके बाद अभी मैं कोई भी बेटा वर्जन वाली जो वीडियो वो नहीं बनाऊंगा, सितंबर तक जब रिलीज होगा तभी अब वीडियोस बनाऊंगा मैं बेटा वर्जन की। तो ये थी आईपैड ओएस 16 की मेरी वीडियो, कैसी लगी वीडियो मुझे बताओ कमेंट्स में। और अभी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं, तो एवरी डे अब वीडियो आएगी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करो, शेयर करो एक बार फिर से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।